पोएम नंबर 7। पोएम का नाम है आपका एंगर। बहुत अच्छी कविता है ये, एक ऐसी कविता है जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, यानी एक शिक्षा देने वाली कविता है। दूसरा, आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो आपकी पोएम होती है उस पोएम में से, जैसे इस पोएम में देखिए 4 स्टेंजा हैं, मतलब 4 खंड हैं इसके, तो इनमें से कोई भी एक जो स्टेंजा होता है वो आपके लिए आएगा, और उसके ऊपर आपके लिए 3 क्वेश्चन होंगे। आपको इन 3 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे, जो कि आपको 3 नंबर का मिलेगा। अब ये काम आप तब कर पाएंगे जब आपको ये पोइम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी चीज अगर आपको पढ़ाई जा रही है तो उस समय आप एक HB पेंसिल अपने पास रखिए, और जो भी वर्ड आपको लगता है कि आपको इसका मीनिंग नहीं पता या उसके बारे में आपको कोई भी एक्स्ट्रा बात बताई जाती है तो आप उसको वहीं लिखिए। हालांकि जब मैं एक्सट्रैक्ट कराऊंगा तब इसको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, पोइम को एक बार और पढ़ाऊंगा, तब एक्सट्रैक्ट के तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी मैं इसको एज क्वेश्चन आंसर के तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। अब देखिए, आप इसका जो पहला पद है पेज नंबर 49 निकाल लीजिए। कविता क्या कहती है? ओहो एंगर, यानी कवि जो कहता है, ओहो का मतलब होता है अरे। एंगर इज एन अगली थिंग, अगली का मतलब भद्दा, कुरूप, बेकार, ये अगली के वर्ड होते हैं। तो कभी कहता है कि एंगर इज एन अगली थिंग, यानी जो क्रोध होता है वो बहुत बेकार वस्तु होती है। कभी कहता है कि क्रोध एक खराब चीज होती है। एंड स्पॉइल्स, स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना, बिगाड़ देना। एंड स्पॉइल्स और बिगाड़ देती है द फियरेस्ट फेस। फियर मतलब सुंदर होता है, और फियरेस्ट क्या हो गया? सबसे सुंदर। तो अगर किसी का चेहरा बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर चेहरा है, अगर वो भी क्रोध करेगा तो उसकी भी जो स्वच्छता है, जो फेयरनेस है, वो खत्म हो जाएगी। यानी क्रोध एक ऐसी चीज है, एंगर एक ऐसी चीज है कि कितने भी सुंदर या अच्छे आदमी को आए या किसी भी व्यक्ति को आता है तो उसकी जो चेहरे की जो रौनक होती है वो चली जाती है। यानी उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में किसी को क्रोध आता है तो किसी का भी चेहरा, चाहे वो कितना भी फेयर हो, अच्छा नहीं लगता। इट कम्स, ये आता है। कम जो होता है ना, ये लिटरेरी वर्ड है, यानी पोइम में ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा। ओल्ड यूज है, आजकल आप इसकी प्लेस पे कम का यूज करते हैं, कम मतलब आना। तो इट कम्स लाइक अ रेनी क्लाउड, लाइक मतलब तरह, रेनी मतलब बरसात का, और क्लाउड मतलब बादल। तो ये तुम्हारे ऊपर एक बरसात के बादल की तरह आता है। अपॉन अ सनी प्लेस, किस जगह पे? एक धूप वाले प्लेस पे। तो जिस तरीके से धूप में बिल्कुल साफ दिखाई देता है, चमक होती है, बरसात का जो बादल आता है वो उसकी चमक को खत्म कर देता है, अंधेरा ला देता है। तो इस ठीक इसी तरीके से जो क्रोध होता है वो आदमी का कितना भी फेयर हो चेहरा, वो उस चेहरे को खराब कर देता है। तो चारों लाइनों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड स्टेंजा में क्या कहता है कि वन एंग्री मोमेंट, यानी अगर एक क्रोध का एक पल भी आपके अंदर आया, वन एंग्री मोमेंट अगर आपके अंदर आया, ऑफन डज, ऑफन माने अक्सर, और डज मतलब करता है, यानी क्रोध का एक पल भी कर देता है, क्या कर देता है? व्हाट वी रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। अब यहां देखिए आप कैसे करेंगे कि व्हाट फॉर का अर्थ इकट्ठा करें। नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, व्हाट लिखा है और उसके बाद वी रिपेंट फॉर लिखा है। चाहे तो व्हाट और फॉर के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए कि इसका अर्थ इकट्ठा करना है। व्हाट फॉर वी रिपेंट ईयर्स, वी रिपेंट हम पश्चाताप करते हैं ईयर्स, सालों तक। यानी क्रोध एक पल में ऐसा कर देता है कि जिसके लिए आप सालों तक पश्चाताप करते हैं। तो कभी कभी देखा होगा कि कोई आदमी लड़ाई होती है, क्रोध करता है, और क्रोध में जैसे सामने वाले को हानि पहुंचा दी, मान के चलिए कि उसने गोली चला दी या मार दिया सामने वाले को, जीवन भर उसकी तारीखें करेगा, हो सकता है कि उम्र कैद की सजा हो जाए, तो वो उसके लिए जीवन भर पश्चाताप करता है। लेकिन वो क्रोध का पल कितनी देर का था? थोड़ी देर का। तो वो कभी कह रहा है कि वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज, अक्सर ऐसा कर देता है।
व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर, जिसके लिए हमें सालों तक पश्चाताप करना पड़ता है, इट वर्क्स द रॉन्ग, इट वर्क्स, ये करता है गलत, वी नेवर मेक राइट, जिसे आप कभी ठीक नहीं कर सकते, यानी क्रोध ऐसा गलत कर देता है जिसे आप कभी ठीक नहीं कर सकते, बाई सोरो और बाई टीयर, चाहे आप फिर कितना भी दुख करें, सोरो मतलब दुख, और चाहे कितने भी टीयर बहाए, चाहे कितने भी आंसू बहाए, क्रोध में आपने एक बार जो कर दिया उसका कोई पश्चाताप नहीं होता। द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक, तीसरे स्टेंजा में कवि कहता है कि जो शांति के हाथ होते हैं, यानी जो शांति होती है, जो फ्रैंक, वो स्पष्ट होती है, शांति में जो कुछ भी होता है वो एकदम फ्रैंक होता है, स्पष्ट होता है, एंड वार्म, और शांति में जो होता है उसमें गर्माहट होती है। रिलेशन के बारे में आप सोचिए, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि उसके तो रिश्ते ठंडे हो गए, इसका मतलब रिश्ते खराब हो गए, तो अगर आप शांति से कोई रिलेशन चलाते हैं तो उन रिश्तों में गर्माहट होती है, यानी वो रिश्ते चलते हैं। एंड सॉफ्ट एज रिंग डफ्स बिंग, और इतने कोमल होते हैं जैसे रिंग कबूतर के पंख। एक कबूतर होता है, डोमेस्टिक कबूतर जो घरों में पाला जाता है, इसमें क्या होता है कि दो कलर का होता है और गर्दन पे एक रिंग बनती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रिंग डप्स बिंग। तो वो कह रहा है कि, और उसके जो पंख होते हैं वो काफी मुलायम होते हैं, तो वो कह रहा है कि एंड सॉफ्ट और इतने मुलायम होते हैं एज रिंग डप्स बिंग, जैसे कि रिंग पक्षी के या रिंग कबूतर के पंख। एंड ही हु क्वेल्स, और आदमी जो झगड़ा करता है, एन एंग्री थॉट, एक क्रोध के विचार से, जैसे आपको कोई क्रोध आया और आपने अपने क्रोध से झगड़ा करना शुरू कर दिया, सामने वाले से नहीं, अपने आप से अगर आपने उस समय झगड़ा करना शुरू कर दिया इस बात को लेके कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, इज ग्रेटर देन ए किंग, तो इसका मतलब आप एक राजा से भी महान है। अगर आपको क्रोध, हर किसी को आता है, अगर आपको क्रोध आता है और आप उस समय अपने क्रोध से लड़ जाते हैं, तो इसका मतलब इज ग्रेटर देन ए किंग, कि आप एक राजा से भी महान हैं। एवर रिमेंबर इन द यूथ, कभी कहता है कि एवर रिमेंबर, एवर मतलब हमेशा और रिमेंबर मतलब याद रखो, इन दाई, दाई का मतलब तेरा, यूथ मतलब युवा अवस्था में, तो तू अपनी युवा अवस्था में हमेशा याद रख, दैट ही हु फॉर्मली ट्राइज, क्या याद रखना है कि ही मतलब वह, हु मतलब जो, फॉर्मली माने दृढ़ता से, और ट्राइज का मतलब प्रयास करता है, तो जो आदमी दृढ़ता से प्रयास करता है टू कॉन्क्वेयर, कॉन्क्वेयर का मतलब क्या होता है, जीतने का, कि जो आदमी जीतने का प्रयास करता है, एंड टू रूल, या शासन करने का प्रयास करता है हिमसेल्फ, खुद पर, तो अगर आपको क्रोध आता है तो सामने वाला क्या सोचता है कि मैं सामने वाले से जीत जाऊं, जिस पर क्रोध आ रहा है मैं उससे जीत जाऊं, लेकिन कभी ये नहीं कह रहा, अगर आपको क्रोध आता है और आप अगर खुद से जीतते हैं, उस समय अगर आप खुद पे कंट्रोल करते हैं, इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, तो ऐसे आदमी को कवि क्या मानता है कि वो आदमी नोबल है, उत्तम है, बढ़िया है। एक तो नोबल होता है उपन्यास, एनओ बी एल, एक होता है एनओ बी एल ई, नोबल का मतलब क्या होता है, उत्तम, बढ़िया, सर्वोत्तम। तो जो आदमी अपने आप को जीतता है क्रोध की कंडीशन में, या जो आदमी अपने आप पे शासन करता है क्रोध की कंडीशन में, तो वो इज नोबल, वो उत्तम होता है, ब्रेव, बहादुर होता है, एंड वाइज, ऐसे आदमी को कभी बुद्धिमान मानता है। बहुत सुंदर कविता है, एलिजा कुक इसके कवि हैं, नाम भी आपको कविता का याद रखना पड़ता है, जैसे आपसे यह पूछा जाएगा कि एंगर यानी क्रोध से आप याद रख सकते हैं कि क्रोध किसने लिखा है, कुक ने, ठीक। चलिए इसके बाद आ जाइए अबाउट द पोइम पे, क्योंकि मैंने बताया था कि कविता है तो आप उसका अबाउट द पोइम भी पढ़िए, तो इससे कविता आपको और थोड़ी अच्छी सी समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी तैयार हो जाएंगे। एंगर इज अ बैड थिंग, कभी क्या कहता है कि क्रोध एक बुरी चीज होती है, इट स्नेचेस अवे द चार्म ऑफ ए फेस, इट स्नेचेस अवे, यह सोख लेती है, खींच लेती है, द चार्म मतलब आकर्षण को, ऑफ ए फेस एक चेहरे के, तो ये खींच लेती है,
जो चेहरे की सुंदरता होती है उसको ये खींच लेती है, एज ए क्लाउड्स एवस्ट्रक्ट द सन लाइटिंग अ पार्ट ऑफ द अर्थ, एज ए क्लाउड्स एवस्ट्रक्ट, जैसे कि बादल जो होते हैं वो रोक देते हैं द सन लाइटिंग, सूर्य के प्रकाश को, ए पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के एक हिस्से पर। तो जैसे बादल पृथ्वी के एक हिस्से पर सूर्य के प्रकाश को आने से रोक देते हैं, ठीक इसी तरीके से जो क्रोध होता है वो आपके चेहरे का जो भी चार्म होता है उसे छुपा देता है, आपका चार्म दिखाई नहीं देगा, आपका चेहरा गंदा दिखाई देने लगेगा। द एक्ट्स डन इन स्टेट ऑफ एंगर, एक्ट्स मतलब काम, डन मतलब किया हुआ, इन स्टेट मतलब अवस्था में, ऑफ एंगर मतलब क्रोध की अवस्था में किया हुआ काम, आर ऑलवेज रिपेंटेड, रिपेंट मतलब पश्चाताप करवाना, वो हमेशा पश्चाताप करवाता है। क्रोध में कभी भी ऐसा नहीं होता कि काम जो आपने कर दिया वो अच्छा होगा, वो हमेशा आपको पश्चाताप करवाता है। द हार्म कॉज्ड कैन नेवर बी अंडन, द हार्म को जो नुकसान होता है कैन नेवर बी अंडन, कैन नेवर बी कभी नहीं किया जा सकता, अंडन मतलब, अब देखिए यहां कैन बी लगा है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया, तो आप इसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते, अंडन मतलब न किया हुआ, ऐसा नहीं कर सकते क्रोध में जो कर दिया आप उसे मिटा दें, आप उसे कभी भी मिटा नहीं सकते। द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि ए यंग मैन हु कीप्स हिज टेम्पर, के एक युवा आदमी जो रखता है हिज टेम्पर, टेम्पर मतलब मिजाज, तो जो आदमी मिजाज को रखता है, अपने मिजाज को काम शांत रखता है, इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, उस आदमी को कभी क्या मानता है कि वो आदमी नोबल है, उत्तम है, ब्रेव है, बहादुर है, एंड वाइज है और बुद्धिमान है, जैसे आदमी को कभी नोबल ब्रेव एंड वाइज मानता है। जो इसमें वर्ड मीनिंग आए, एंगर मैंने आपको बताई दिया, क्रोध अगली मैंने आपको बताई दिया, भद्दा स्पॉइल बर्बाद करना, फेयर जो होता है वो साफ सुंदर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, कम्थ ओल्ड यूज है इसकी जगह पे आजकल कम्स करते हैं, आना आता है, रिपेंट जो होगा उसका अर्थ हो गया पश्चाताप करना, पीस शांति होती है, डब जो होता है वो कबूतर होता है, सफेद कबूतर जो होता है उसको डब कहते हैं, शांति का प्रतीक भी होता है ये, क्वेल जो होता है, क्वेल का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप और रिड्यूस स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट फीलिंग, कौन कौन मतलब जीतना, और क्वेल का मतलब क्या हो गया, रोक देना, वश में कर लेना, दाई मतलब तेरा हो गया, फर्मली का मतलब होता है दृढ़ता से, कौन कौन जीतना हो गया, और नोबल का मतलब बढ़िया, सर्वोत्तम, महान भी कह सकते हैं व्यक्ति के लिए लगाएं, नोबल मैन। चलिए अब इसके भी एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, क्वेश्चन इसमें हालांकि ज्यादा नहीं है, आपके ए पार्ट में 5 क्वेश्चन है और बी पार्ट में केवल 4।